हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा आपके लिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। और इस टॉपिक्स में आज हम आपको जो क्लियर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ किसे कहते हैं, इंडिविजुअल्स की जो लाइफ होती है वो कितने टाइम की हो सकती हैं, उसको आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं बच्चों। तो जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, जैसे बच्चों आप लोगों ने प्लस वन में पहला ही जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, और उस चैप्टर में ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमको कोई नोन और या लिविंग ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ लिविंग और या नॉन लिविंग। कैसे आप बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो वहाँ पर हमने प्लस वन के लिए एक वीडियो डाली थी, उसमें बताए भी थे कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, या नॉन लिविंग में और लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं बच्चों, हमने उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जो ऑब्जेक्ट उन करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं, यानी कि जो उन करेक्टरिस्टिक्स को एक तरह से बताते हैं, जिनमें या वो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं, और जिनमें वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती वो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं। जैसे हमने बताया था कि लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनमें, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म्स हैं, होमियोस्टेसिस है, तो सो यानी कि डिफरेंट टाइप की उसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि ये लिविंग बींग्स लिविंग हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो वो हमने एक पिछली वीडियो में बच्चों डाली थी, आपको उसको आप पढ़ें उसको समझेंगे, लेकिन हम अब वहाँ से आगे का लेते हैं कि जो लाइफ है, अब जो लिविंग बींग्स हैं, क्या बच्चों ये लिविंग बींग्स कितने टाइम तक जी सकते हैं, कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, इनका जो सर्वाइवल जैसे कहते हैं पीरियड है वो कितना होता है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि जैसे आप जानते भी हो कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट ईयर्स यानी कि वर्षों तक जीवित रहें। हर एक लिविंग बींग का एक फिक्स जैसे कहते हैं लाइफ स्पैन होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका एक फिक्स जैसे ना कहते हैं एज होती है इस अर्थ के ऊपर, और उस एज को कंप्लीट करने के बाद, उस लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे आर नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली, वो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल अनिश्चित यानी अनंत तक वो जीवित रहें। उनमें क्या होता है, उनकी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो उनका लाइफ स्पैन है, इसलिए एक वर्ड आता है बच्चों कि लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन। अब ये जो लाइफ स्पैन है, क्योंकि अब हम इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन देखते हैं, लाइफ स्पैन से मीनिंग होता है कि जब कोई इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक तरह से पैदा होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, बर्थ लेइंग करते हैं, तब से लेके और जब तक उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, जब तक कि उनकी कोई डेथ नहीं हो जाती, तब तक का जो पीरियड होता है, यानी कि द पीरियड कहाँ से लेके, द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, जो उनका एक एज है, जो हम यानी कि जन्म से काउंट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, उस पीरियड को क्या कहते हैं बच्चों, उसका लाइफ स्पैन कहते हैं। अब देखिए, डेथ जो होगी किसी भी इंडिविजुअल की, जो डेथ होती है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी कोई डेथ हम जैसे देखते हो आप एनिमल्स की, कोई नेचुरल जो डेथ है, एक तो नेचुरल डेथ में भी कैसे होती है, कोई एनिमल्स कैसे मरता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कोई प्रीडेशन के कारण हो जाए, कोई एनिमल्स उसको खा जाए, या कोई एनिमल्स इतना वीकेंड हो जाए किसी पैरासाइट के कारण, उसको कोई डिजीज है उसके कारण वो इतना कमज़ोर हो जाए, तो भी उसकी डेथ हो सकती है। या कुछ एनिमल्स की डेथ कैसे हो सकती है, मान लीजिए उसके कोई जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो इतने वीकेंड हो जाएं, इतने कमज़ोर हो जाएं या नॉन फंक्शनल हो जाएं, तो भी उसकी डेथ हो सकती है, या किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है। तो बच्चों, जो एनिमल्स की जो डेथ है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनको किसी प्रीडेशन के द्वारा यानी कि जैसे खाया जा सकता है, पैरासाइट के द्वारा उनकी डेथ हो सकती है, डिजीज़ के कारण उनकी डेथ हो सकती है, या उनके अलावा जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जब उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उनके कारण भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो डेथ हैं, अब हम इन्हीं को दो तरह से देखते हैं, एक तो डेथ हुई उनकी नेचुरल डेथ, और एक होती है बच्चों एक्सीडेंटल डेथ,
यानी कि जो नेचुरल डेथ है उसमें हम क्या करते हैं कि भी एक पर्टिकुलर एज के बाद वो अपने आप इतना यानी कि बॉडी जो है डिटीरियोरेट हो जाती है, इतनी जर्जर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ क्या होती है? एक्सीडेंटल डेथ उन्हें कहते हैं जब किसी भी इंडिविजुअल्स की डेथ अचानक हो जाए, सडन हो जाए किन्हीं कारणों से, अगर वो सडन यानी कि डेथ हो जाती है तो हम उसको एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। तो इसलिए बच्चों क्या है कि हर एक इंडिविजुअल्स की डेथ है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे फिर वो नेचुरल हो, दो टाइप से हम यानी कि उनकी डेथ को देखते हैं, या तो नेचुरली डेथ हो जाती है इंडिविजुअल्स की और या फिर एक्सीडेंटल। तो इसलिए हर लिविंग बीइंग का जो एक लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो बहुत सालों तक जी सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा है जैसे कि सभी इंडिविजुअल्स एक जो पीरियड है उनका जीने का वो फिक्स है, ये नहीं है कि उनके जो लाइफ स्पैन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, फिक्स नहीं है। बल्कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हो सकते हैं जिनका लाइफ स्पैन केवल कुछ मिनटों से लेकर, जैसे कहते हैं ना बच्चों कुछ क्षणों से लेकर, कुछ मिनटों से लेकर और कुछ ही घंटों के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया होता है बच्चों, या कोई फंगस का स्पोर होता है, या कोई और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और यदि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हम इनको अपने अंदर या हमारी बॉडी के ऊपर ये एनकाउंटर कर जाएं या हमला कर दें या हमारी बॉडी में चले जाएं, तो आपने देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर या कि हर एनिमल्स की बॉडी के अंदर कोई डिफेंस सेल्स होती हैं, यानी जो उनको उनसे बचाती हैं, जो माइक्रोब से या जो ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे वो हमारे को बचाने का काम करती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर मान ली कोई बैक्टीरिया एंटर करता है और वो बैक्टीरिया अभी मान लो इमीडिएट बनाए उसका, जैसे आप जानते हैं ना बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद एक 20 मिनट के बाद डिवाइड करके दूसरी सेल बना लेता है जिसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन से वो मल्टीप्लाई करा, उसने एक सेल बनाई और वो सेल बाय चांस बैक्टीरिया की हमारे अंदर एंटर कर गई, और जैसे ही वो सेल हमारे अंदर एंटर करी तो हमारी बॉडी ने उसको तुरंत किल कर दिया यानी कि मार दिया। तो अब वो कितने टाइम तक जी, पता चला कि उसकी जो यानी कि लाइफ स्पैन था वो तो कुछ ही मिनटों का था या कुछ ही घंटों में वो तो समाप्त होगी। इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या और अदर पैथोजेंस होते हैं उनका लाइफ स्पैन बच्चों कितना होता है, ओनली फ्यू मिनट टू आवर्स, यानी कि कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। इसी तरह से इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन एक दिन के भी हो सकते हैं, जैसे मे फ्लाई है एक इंसेक्ट है, सिकेडा है ये भी एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो इनमें देखो बच्चों इनका जो लाइफ स्पैन है वो केवल एक एक दिन का है, ओनली वन डेज। तो ऐसे हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक हो सकता है या एक दिन का भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी है। जैसे आप देखें उनकी जो लाइफ स्पैन है ईयर्स में भी हो सकते हैं एनिमल्स के, जैसे मानो डॉग देखते हो आप अपने आसपास के जो हम एनिमल हैं जो नॉर्मली हमारे आसपास एनिमल मिलते हैं, आपने उनको देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी करा होगा कि कौन सा एनिमल कितने टाइम तक जीते हैं। प्लांट भी आपने देखे होंगे, जैसे मानो डॉग है इसका लाइफ स्पैन 20 से 25 साल का होता है, कैट है इसका 35 से 40 साल का होता है, वीट है 5 महीने का होता है केवल। आप जैसे वीट है ये मान लो ये प्लांट है बच्चों, एक क्रॉप है हमारी, सीरियल्स है गेहूँ आप जानते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं यानी उनको सोइंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर यानी कि स्टेज के बाद, जैसे मान लीजिए उसमें फ्लावरिंग हो गया, फ्लावरिंग के बाद में वो गेहूं पक गए और हमने उसको हार्वेस्टिंग कर लिया काट लिया, तो उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वीट की वो 5 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाती है। ऐसी जितनी भी क्रॉप होती है हमारी जो सीरियल्स होती हैं, स्पेशली मोनोकार्पिक, जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक उन्हें कहते हैं जो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद में वो मेच्योर हो जाते हैं पक जाते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन है बच्चों वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितने टाइम में वो पक जाती हैं। जैसे मानो गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार हैं, बाजरे हैं, ये क्या है, ये मोनोकार्पिक यानी कि जैसे कहते हैं प्लांट होते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो जैसे मानो वीट का है तो 5 महीने का देख सकते हैं, अगर आप मानो राइस है ये भी लगभग 5 या 6 महीने में पक जाता है। जैसे जब आप देखो कब बोते हैं हम राइस को, हम लगाते हैं जून जुलाई में, हम धान की यानी कि जैसे ना पैदावार उगाते हैं या धान को लगाते हैं इस तरह से, तो जो धान हम उगा रहे हैं मान लो धान लगा रहे हैं वो जून जुलाई में आपने लगाया और नवंबर दिसंबर के आसपास आपको वो धान मिल जाता है, तो 5-6 महीने का आपको उसका लाइफ स्पैन हो गया। इसी तरह से और एनिमल्स की बात करते हैं बच्चों, जो एलिफेंट हैं उनका 70 से 75 साल हो सकता है, ईगल जैसे एक ये बर्ड्स हैं बाज जिसको हम कहते हैं ईगल, इसका 90 साल का होता है क्योंकि बर्ड्स में जो एज होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से जैसे पैरट है इसको भी देखो तो 140 सालों तक जी जाता है। अगर हम और रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स बर्ड्स से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक जी जाते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो जैसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे टर्टोइज को आप लोगे तो ये 200 सालों से भी ज़्यादा तक
जिंदा रह जाता है। इसी तरह से और जो ट्री हैं जैसे बेनियन ट्री हैं, इनमें भी अगर बात करें तो ये क्योंकि कौन से ट्री हैं, अब जो से मैंने अभी बताया था दो टाइप के ट्री होते हैं, एक होते हैं कौन से मोनोकार्पिक, एक होते हैं पॉलीकार्पिक, या जैसे आप कहते हो आपने प्लांट का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, कुछ होते हैं एनुअल, कुछ होते हैं बाई एनुअल, कुछ होते हैं पेरिनियल। जो पेरिनियल उन्हें कहते हैं जो वर्षों तक रहते हैं, लेकिन हालांकि इसमें कभी कभी आपने देखा भी होगा जो मोनोकार्पिक ट्री हैं या पौधे हैं बच्चों, उनकी लाइफ स्पैन भी लंबे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ जैसे बम्बू का ट्री है, जो बांस के पेड़ होते हैं बच्चों, बम्बू का जो ट्री होता है वो केवल एक ही बार अपने पूरे होल लाइफ साइकिल के अंदर पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, और वो कितने टाइम में करता है, 50 से 100 सालों के अंदर, 50-100 सालों के बाद में तो उसमें एक बार फ्लावरिंग होती है, और उसके बाद उसमें यानी कि फ्लावर बनने के बाद या सीड बनने के बाद फिर वो प्लांट डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए वो मोनोकार्पिक हैं, जबकि उसका लाइफ स्पैन 50 से 100 सालों के बीच तक हो सकता है, ठीक है। जबकि ये मैंने बताया ये भी मोनोकार्पिक है, वीट या राइस, इनके केवल 5 या 6 महीने के ही यानी कि लाइफ साइकिल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट कि कुछ प्लांट जैसे अब यहाँ और एग्जांपल दें बच्चों, एक प्लांट का एग्जांपल है जैसे सिकोइया, ये जिसको हम रेड वुड ट्री के नाम से भी जानते हैं, इसका लाइफ स्पैन, ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट एक तरह से 3000 से 4000 साल होता है। अगर आपने अपने आसपास में देखे होंगे जैसे पीपल के पेड़ होते हैं और जो बरगद के पेड़ होते हैं, बेनियन ट्री होते हैं, तो जो बेनियन ट्री है जैसे 200 से 300 साल है, पीपल इससे भी ज़्यादा जिंदा रह जाता है, ये 2000 से 3000 साल तक जिंदा रह जाता है। इसके जो लाइफ स्पेन है वो 2000 से 3000 साल का है। इसी तरह से एक और प्लांट है जो हमारे यहाँ नहीं मिलता, USA यानी कैलिफोर्निया के अंदर ये पाया जाता है, लेरिया टेरेंटेटा, ये है लेरिया टेरिडेंटेटा। ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, इसकी उम्र लगभग 11000 से ज़्यादा हो सकती है, यानी 11300 सालों तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि हर एक यानी कि एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। प्लांट का थोड़ा लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, समझते हैं क्यों, कि प्लांट में थ्रूआउट जैसे कहते हैं ईयर्स ग्रोथ होती रहती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद या पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है, जबकि प्लांट में ऐसा क्यों नहीं होता कि आपने देखा होगा प्लांट में जब आपने टिश्यू पढ़े होंगे तो बच्चों, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक तो कौन से टिश्यू होते हैं, एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में भी ज़्यादातर आपने देखे होंगे जो प्लांट है, प्लांट की जो बॉडी है उसमें जो परमानेंट टिश्यू में डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं, जैसे स्केलन काइमेटस जो टिश्यू हैं वो डेड टिश्यू हैं, पौधों में डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके जो टर्मिनल एंड होते हैं, जो उनके एपिकल एंड होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम्स है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स थ्रू आउट जैसे कहते हैं लाइफ वो डिवाइड करती रहती हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें एक डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। इसलिए प्लांट का जो लाइफ है वो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है, क्योंकि उनमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती रहती है। तो ये बच्चे रहा क्या लाइफ स्पैन, क्योंकि अब हमने अभी आपको बताया कि इस अर्थ के ऊपर सभी लिविंग बींग्स ऐसा नहीं है कि जो इनडेफिनेटली सर्वाइव करें, उनकी कभी ना कभी डेथ होती है, चाहे वो प्लांट हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रोब्स हों। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो लाइफ स्पैन है, जो अभी मैंने बताया कि लाइफ स्पैन है यानी कि जब से वो पैदा होते हैं तब से जब तक वो जीवित रहते हैं या जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसका लाइफ स्पैन। तो बच्चों इस लाइफ स्पैन को भी हम क्या करते हैं फिर, इस लाइफ स्पैन को भी अलग अलग स्टेजेस में या फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। तो लाइफ स्पैन की जो सबसे इम्पोर्टेंट फेजेज हैं वो कौन कौन सी आती है, जैसे लाइफ स्पैन की सबसे पहली जो फेज है वो है जुवेनाइल फेज, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल या जुवेनाइलिटी फेज। आप जानते हो कि जुवेनाइल क्या होते हैं या जुवेनाइलिटी किसे कहते हैं, ये वो फेज होती है किसी भी लिविंग बींग की जो बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाती है, यानी जैसे ही कोई एनिमल्स या कोई भी यानी कि लिविंग बींग बर्थलिंग करता है, जन्म लेता है, और जब से जन्म लेने से जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता, यानी कि एक तरह से रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं हो जाता, रिप्रोडक्शन नहीं करता, तब तक का जो पीरियड है उसका जुवेनाइल फेज कहते हैं उसको, यानी कि यंग स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज कौन सी होती है यंग स्टेज के बाद, यानी जुवेनाइल स्टेज के बाद में कौन सी आती है, मेच्योरिटी फेज, यानी कि जैसे कहते हैं बच्चों, या हम प्लांट में इसको जुवेनाइल फेज को कौन सी एक नाम दे सकते हैं,
जुवेनाइल फेज को प्लांट में वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था बम्बू का जो ट्री है, बम्बू का जो पेड़ है, उसमें क्या होता है 50 सालों तक वो प्लांट वेजिटेटिव फेज में रहता है लगभग, और 50 साल के बाद उसमें फिर कौन सी फेज आती है, मैच्योरिटी फेज, यानी कि जब वो मेच्योर होता है तब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी एक पर्टिकुलर यानी कि जुवेनाइल फेज के बाद, यानी कि उसकी जो यंग स्टेज है उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है, दूसरी फेज आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से मतलब क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल्स अपने जैसे बर्थ लेइंग करना, यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दे या अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है, तब तक की हम उस स्टेज को कहते हैं उसकी मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी अब ये जैसे अब ये अलग अलग होता है कि मानो जुवेनाइलिटी फेज कितने टाइम तक की रहेगी किसी इंडिविजुअल्स के अंदर, इसी तरह से मैच्योरिटी जो पीरियड है या मैच्योरिटी जो फेज है उस इंडिविजुअल्स का कितने टाइम तक रहेगा। वो मानो 10 साल तक मैच्योर है, 10 साल तक या 20 साल तक वो अपना बर्थ लेइंग कर रहा है या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह से हर इंडिविजुअल्स की एक मैच्योरिटी पीरियड होती है। मैच्योरिटी के बाद में फिर कौन सी एज आती है बच्चों, एजिंग, फिर हम उसको कहते हैं एजिंग। एजिंग से मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, जैसे जैसे यानी कि इंडिविजुअल्स मेच्योर हो गया और मेच्योरिटी के बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें थोड़ा डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली यानी ग्रेजुअली जो बॉडी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है, या जिसको हम कहते हैं डिटीरियोरेशन इन द बॉडी। तो जब डिट्यूरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। और एजिंग का जो टर्मिनल एंड होता है, यानी कि उसका जो एजिंग का एक जो एंड है, जैसे कहते हैं एजिंग टर्मिनेट करती है किसमें बच्चों, उसके लिए भी एक टर्म्स यूज करते हैं सेंसेंस। ये है सेंसेंस, ये सेंसेंस है। तो ये जो सेंसेंस स्टेज होती है, सेंसेंस जो फेज होती है, ये टर्मिनल एज कहलाती है किसकी, एजिंग। यानी जैसे कहते हैं ना एक एजिंग के बाद में बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे में बॉडी के ऑर्गन बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनके वाइटल ऑर्गन काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, या बहुत कम काम करते हैं। तो जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाती है तो एजिंग टर्मिनेट इंटू सेंसेंस, यानी कि वो सेंसेंस क्रिएट हो जाती है। और सेंसेंस का जो अंत है, यानी सेंसेंस लीड इनटू डेथ, और इसलिए अगली स्टेज कौन सी आती है बच्चों, किसी भी इंडिविजुअल्स की डेथ होती है। यानी कि डेथ में जब बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें, जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती है किसी लिविंग बींग की, वो सारी की सारी सीज हो जाएं, यानी कि बंद हो जाएं, परमानेंटली बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं, डेड एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होगी, किसी भी इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पेन है आप उसको अप टू, यानी जैसे कहते हैं बर्थ से लेकर और जो उसकी डेथ तक का पीरियड है वो लाइफ स्पेन हो गया। और हमने उस बच्चे उसकी लाइफ स्पेन को, अब ये अलग अलग मैंने बताया, जैसे लाइफ स्पेन अलग अलग टाइम का हो सकता है, मिनट से लेकर वर्षों तक हो सकता है, और उसी लाइफ स्पेन को फिर हम डिवाइड कर देते हैं कितनी फेजेस में। जैसे जुवेनाइल फेज में हम उसको कहते हैं जुवेनाइल यंग फेज को कहते हैं, अर्ली स्टेज को कहते हैं, ये जो लाइफ का अर्ली पार्ट होता है। और इसके बाद आती है मैच्योरिटी, यानी जब वो एनिमल्स या वो इंडिविजुअल्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो उस पीरियड को हम उसका मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं बच्चों। और मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसमें एजिंग स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डिटीरियोरेट हो जाने स्टार्ट हो जाते हैं, और एजिंग जैसे कहते हैं टर्मिनेट हो जाती है सेंसेंस में, यानी एक तरह से बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ जाती है बॉडी, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल्स को, लेकिन वो तब तक भी जिंदे रहते हैं। वो जो जर्जर स्थिति होती है बिल्कुल एक तरह से विकर्ण, यानी कि जो बॉडी होती है वो सेंसेंस है, और उसके बाद वो सेंसेंस स्टेज किसमें लीड करेगी, वो सेंसेंस लीड इनटू डेथ। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है लाइफ का, कि भाई लाइफ से हमारा क्या मीनिंग है, लाइफ स्पेन क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स की लाइफ स्पेन मैंने आपको बताए हैं, लाइफ की स्पेन की फेजेज मैंने बताई हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो मेरी जो इस वीडियो है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, और हमारी जो पुरानी वीडियो भी हैं, अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो को इनके साथ जोड़ना हो बच्चों, तो आप पुरानी वीडियो को देखने के लिए आई बटन का यूज़ करिए, आई बटन को दबाइए, तथा जो अगली हमारी जो भी वीडियो आती हैं उसको देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाते रहिए, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।